प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एम्स में भर्ती बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का हालचाल पूछा। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे, जहां बिहार में उन्होंने 3 जगह जनसभाओं को संबोधित किया, जिनमें सबसे पहले वो सासाराम गए, फिर गया गए और आखिर में भागलपुर गए, जहां पर उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया और जनता के बीच गए। साथ ही साथ बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी, जो कि कोरोना से संक्रमित हैं और पटना के एम्स में भर्ती हैं, तो इस खबर को जानकर जब इस बारे में पीएम मोदी को पता चला, तो पीएम मोदी जब बिहार पहुंचे तो बिहार आकर उन्होंने जनसभाओं के दौरान बीच में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी से फोन कर उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने फोन कर उप मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी और जनता के बीच इसे शेयर किया। ट्वीट में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम ने फोन कर मेरे स्वास्थ्य की जानकारी ली, जल्द सकुशल होने की कामना है। जल्दबाजी करने के बजाय चिकित्सकों के सलाह पर पूरा अमल करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री ने पीएम को बताया कि स्वास्थ्य के सभी मानकों पर वे सकुशल है, साथ ही डॉक्टरों के सलाह के अनुसार ही काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे, जहां पर बिहार में उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का हालचाल भी फोन पर जाना। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।